नमस्कार। मैंने मेरे पिछले वीडियो में क्वांटम संख्या के बारे में समझाया था। आज हम परमाणु में कक्षकों को भरा जाना समझेंगे। इसमें विभिन्न परमाणु के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन निम्नलिखित नियमों से भरे जाते हैं, जिसमें सबसे पहला नियम है अफबाव का नियम। अफबाव नियम क्या होता है? एक वर्ड है अफबाव, जो जर्मन भाषा से लिया गया है, जिसका मतलब है निर्माण होना। अब परमाणु अफबाव नियम होता क्या है उसके बारे में समझते हैं कि परमाणु की तलस्थ अवस्था में जो कक्षक में उनकी ऊर्जा होती है उसे बढ़ते क्रम में भरा जाता है। इसके लिए हम लोग n प्लस एल का रूल फॉलो करते हैं। अब n प्लस एल रूल क्या होता है? n प्लस एल रूल वो होता है कि जिसमें n प्लस एल का मान जितना निम्न होगा कक्षक की ऊर्जा उतनी ही कम होगी, और यदि उसमें n का मान सेम है तो फिर उसमें उस कक्षक में पहले भरा जाएगा जिसमें n का मान कम होगा। अब हम n प्लस एल रूल को एग्जाम्पल सहित समझ लेते हैं। n प्लस एल रूल, जैसे कि एग्जाम्पल ले लो, आपका 4s है और फिर आपका है 3d, ठीक है। अब हमें इसमें n प्लस एल को समझना है। तो यहां पर जैसे मैंने पिछली क्लास में समझाया था क्वांटम नंबर के बारे में, तो n जो होता है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है और l जो होता है वो द्विगुणसूत्री क्वांटम संख्या या फिर एजीमुथल क्वांटम संख्या होता है। अब हम लोग यहां पर n जो है, मैंने कहा था ये नंबर होता है स्टार्टिंग का, तो यहां पर n की वैल्यू हो गई 4। अब s के लिए l का मान होता है 0, यहां n के लिए 3 हो गया और l का मान d के लिए होता है 2। अब हम इसमें n प्लस l रूल समझ रहे हैं, तो हम n प्लस l समझेंगे। यहां n प्लस l की कितनी वैल्यू हुई? 4 प्लस, यहां पुट कर देंगे इसकी वैल्यू, तो यहां हमारी वैल्यू हुई 4, ठीक है। अब हमें वही n प्लस l रूल इसमें फॉलो करेंगे, तो यहां पर n की वैल्यू है 3 और l की वैल्यू है 2, तो हम टोटल कितना हो जाएगा? 5। तो यहां पर इसका मतलब ये है, क्या कहते हैं कि यहां पर इसका टोटल n प्लस l का मान 4 आ रहा है और इसमें टोटल n प्लस l का मान 5 आ रहा है। इसका मतलब कि इसकी ऊर्जा कम है कंपेयर टू 3d के, यानी कि 4s की जो ऊर्जा है वो 3d के कंपेयर में कम है। तो हमें अब इलेक्ट्रॉन भरना है इसके अंदर, तो हम पहले 4s में भरेंगे एज कंपेयर टू 3d के। तो पहले हमें 4s में इलेक्ट्रॉन भरना है फिर 3d में भरना है। दूसरी बात मैंने आपको कही, कि जिसका n का मान सेम होगा, यानी कि मान लो आप यहां पर ले लो 4s और 4p, इसके लिए n का मान क्या होगा? 4, और इसके लिए n का मान क्या होगा? 4, यानी दोनों के लिए n का मान 4 है। अब s के लिए l का मान क्या है? 0। अब यहां पर क्या कहते हैं, दोनों में मान किसका है? मान लो यहां पर l का मान है 1, ठीक है। अब हमें दोनों में n का मान सेम है, तो हमें ये देखना है कि किसमें पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। तो अब हम वही n प्लस l लगा लेते हैं, 4 प्लस 0 और 4 प्लस 1, तो इसका मतलब यहां तो हो गई 4 और ये हो गया 5। तो अब 4s और 4p में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 4s में भरा जाएगा, क्योंकि उसका n प्लस l का मान कम है और इसमें n प्लस l का मान 5 है, और इसमें इस तरीके से कि nn के मान जब सेम है तो हमें इलेक्ट्रॉन n प्लस l रूल फॉलो करते हुए समझाना है। मैंने n प्लस l आपको समझाया रूल, जिसमें मैंने अब आपको एक डायग्राम बना के शो किया है, जिसमें मैंने ऑर्बिटल के कैसे ऑर्बिटल बढ़ते हुए ऊर्जा क्रम में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। जैसे कि मैंने यहाँ बताया 1s के बाद फिर 2s भरा जाएगा, 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s, फिर 3p के बाद आप 3s के बाद 3p और 3p के बाद 4s भरेंगे, जो कि अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि 3d और 4s में से किसकी एनर्जी लेवल कम है। फिर उसके बाद 3d के बाद 4p, तो ये पूरा मैंने आपको डायग्राम शो किया है, जिसमें आप बढ़ते हुए ऊर्जा क्रम में मैंने कक्षकों को अरेंज किया है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कंटिन्यूएशन में दूसरा रूल है पाउली का अपवर्जन रूल। पाउली का अपवर्जन रूल में ये है कि किसी भी परमाणु के उपस्थित दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या एक समान नहीं हो सकती। अब क्वांटम संख्या मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि n, l, m और s,
ये चारों क्वांटम संख्या में से कोई तीन मान लो हो सकता है मैक्स टू मैक्स, पर चौथी कभी क्वांटम संख्या सेम नहीं होगी। तो तीसरा रूल है हुंस के अधिकतम बहुलकता का नियम। इसमें क्या है कि एक ही उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का युग्मन जब तक नहीं होगा जब तक कि पहले कक्षक में सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जाते हैं। अब हम पाउली एक्सक्लूसिव रूल को थोड़ा सा एग्जाम्पल सही, जैसे कि 4s के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसे इस ऑर्बिटल के हिसाब से समझाया जाता है जिसमें एक क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, जो कि मैंने आपको अभी कहा कि हुंस रूल के हिसाब से पहले इलेक्ट्रॉन सिंगल भरा जाएगा फिर उसको पेयरिंग करी जाएगी। तो अब हम मैंने जो अब पाउली को एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ एग्जाम्पल के हिसाब से, तो इसमें एक ही ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसमें उनके लिए अगर हम एल एम और एन एल एम और एस का मान निकालेंगे तो उसमें तीन क्वांटम संख्या आप देख रहे हो सेम है पर चौथी सेम नहीं है। जैसे कि हमने एन का निकाला इसके लिए मान तो 4 है, इसके लिए भी एन का मान 4 ही रहेगा क्योंकि ये उसी ऑर्बिटल के अंदर है। फिर इसके लिए एल का मान 0 होगा क्योंकि ये एस ऑर्बिटल के अंदर है, और ये वाला इलेक्ट्रॉन्स भी एस ऑर्बिटल के अंदर है इसलिए इसका एल का मान भी 0 रहेगा। फिर आता है एम का मान, एम का मान एस के लिए 0 रहता है, इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए भी एम का मान 0 रहेगा क्योंकि ये 4s इलेक्ट्रॉन के अंदर है। लास्ट एंड फाइनल है कि एस का, यानी कि एस में एक क्लॉकवाइज में है और एक एंटी क्लॉकवाइज में है, जो कि हमने स्पिन क्वांटम संख्या में बताया था कि अगर हम सीधे एरो दिखाते हैं तो उसको क्लॉकवाइज कहते हैं और जो उल्टे एंगल से उल्टे एरो दिखाते हैं इसका मतलब वो एंटी क्लॉकवाइज है। तो यहां पर जो एस है क्लॉकवाइज के लिए मैंने कहा था प्लस हाफ वैल्यू करते हैं और एंटी क्लॉकवाइज के लिए माइनस हाफ कहते हैं। अपन ने इसमें देखा कि यहां तीन क्वांटम संख्या सेम है पर चौथी नहीं है, यानी कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की तीन मैक्स टू मैक्स क्वांटम संख्या सेम हो सकती है पर चौथी कभी नहीं होगी, जो कि पाउली का रूल था। अब हम हुंस रूल को समझ लेते हैं। हुंस रूल क्या कहता है कि अगर कोई एस का आपको मैंने पहले बताया था कि एस के लिए सिंगल ऑर्बिटल होता है, पी के लिए 3 और सबकोषों में डिवाइड होता है, डी 5 उपकोषों में डिवाइड होता है और एफ 7 उपकोषों में डिवाइड होता है। तो अब हम हुंस रूल को समझ लेते हैं कि हुंस रूल कहता है कि कक्षक में जो भी कक्षक में जो आप लोग इलेक्ट्रॉन भरते हो वो इस हिसाब से भरते हो कि पहले इलेक्ट्रॉन सिंगल भरा जाएगा उसके बाद ही उसका पेयरिंग होगी। मान लो कोई एस में दो इलेक्ट्रॉन है तो आपको पहले ही, चलो एस में तो सिंपल समझ में आ जाता है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ आ सकते हैं, पर यहाँ पर जैसे पी है, पी में आप लोग देखोगे अगर मान लो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है तो आपको पहले इसको सिंगल सिंगल भरना पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लो जैसे ही इसमें कोई चौथा इलेक्ट्रॉन आता है तो आप लोगों को पहले सिंगल सिंगल भर के चौथा फिर पेयरिंग स्टार्ट करनी है। तो हुंस कहता है कि पहले आप सिंगल सिंगल भरो इलेक्ट्रॉन फिर उसके बाद उसकी पेयरिंग करो। इसी हिसाब से डी ब्लॉक एलिमेंट है तो इसमें मान लो 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 इलेक्ट्रॉन के अंदर आपको पहले सिंगल सिंगल 1, 2, 3, 4, 5 फिर जो छठा इलेक्ट्रॉन है फिर पेयरिंग स्टार्ट होगी, यानी पहले हर किसी में इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल भरे जाएंगे फिर उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी। इसी क्रम में एफ ब्लॉक है तो एफ ब्लॉक में आप मैक्स टू मैक्स 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, तो 14 इलेक्ट्रॉन में पहले आपको सिंगल सिंगल भरना पड़ेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 फिर मान लो कोई 8वां इलेक्ट्रॉन आता है तो फिर उसकी पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये हुंस कहता है, हुंस रूल कहता है कि पहले मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी मेंटेन करनी है, यानी पहले मैक्सिमम आपको सिंगल सिंगल पेयर करना है उसके बाद आपको उसकी पेयरिंग स्टार्ट करनी है। परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अब हम समझेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या, तो इसमें यह होता है कि परमाणु के कक्षक में इलेक्ट्रॉन का वितरण को आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हो और इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आप दो तरीके से शो कर सकते हो, जैसे कि पहला मैंने दिखाया एसपीडीएफ नोटेशन से आप शो कर सकते हो, दूसरा आप इस ऑर्बिटल डायग्राम से शो कर सकते हो। अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे भरा जाता है उसके बारे में समझेंगे। जैसे कि सबसे पहले मैंने आपको अभी एन प्लस एल रूल बताया था, तो एन प्लस एल रूल में मैंने बताया था कि एन प्लस एल जिसका मान ज्यादा हो कम होगा उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा। तो ये एक सीक्वेंस जो मैंने अभी आपको शो करी थी 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d एंड सो ऑन,
तो हमने मैंने ये एन प्लस एल रूल फॉलो करते हुए सीक्वेंस बनाई है। अब इसी सीक्वेंस से हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे। मान लो हमें किसी हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन भरना है, मान लो हाइड्रोजन का है एटॉमिक नंबर, जो मैंने कल आपको एक्सप्लेन किया था एटॉमिक नंबर, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1। अब हमें इसमें इलेक्ट्रॉन भरना है, तो सबसे पहले हम इसमें इलेक्ट्रॉन किसमें भरेंगे, जिसका एल प्लस एन प्लस एल का मान सबसे मिनिमम है और वो है 1s का, ठीक है। तो हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे 1s और इसमें 1। और मैंने आपको कहा कि दो नोटेशन द्वारा शो कर सकते हैं, एक तो ये sp(d)f वाले से और दूसरा मैंने ऑर्बिटल डायग्राम कहा था, तो s का ऑर्बिटल डायग्राम 1 होता है, ठीक है। तो अब हम इसमें एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तो हमारा एक इलेक्ट्रॉन ये। इसी तरीके से अब मान लो आप ब्रोमीन का एग्जांपल ले लो, ब्रोमीन में आपका एटॉमिक नंबर 5। अब इसको भरेंगे 1s2 2s2 और 2p1, यानी कि s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसलिए हमें टोटल कितने भरने हैं, 5। तो s में मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, इसलिए हमने यहां पर 2 लिखा। इसी हिसाब से यहां वापस s आ रहा है, 2s आ रहा है, इसमें भी हम 2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, इसलिए 2 भर दिया। अब p आ रहा है, p में आप मैक्सिमम हमें 5 चाहिए, इसलिए हमारे 2 तो 4 यही हो गए और 1 यहां पर 5वां इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है। अब इसका ऑर्बिटल डायग्राम शो करेंगे, तो ये सिंगल, पहले देखिए मैं आपको हुंस रूल फॉलो कर रही हूं, पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन भरा है, फिर उसके बाद मैंने इस इलेक्ट्रॉन को डबल किया है, ठीक है। यहां पर भी मैं इसी तरीके से हुंस रूल फॉलो करूंगी, पहले सिंगल फिर डबल। अब आपको मैंने बताया पी ऑर्बिटल में तीन ऑर्बिटल में डिवाइड होता है, पीएक्स पीवाई और पीजेड में, ठीक है। तो यहां पर पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। अब मान लो आप एग्जांपल लो सोडियम का, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है, 11, सॉरी एटॉमिक नंबर होता है 11। अब उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन लिखेंगे, तो अपन लिखेंगे ये सीक्वेंस फॉलो कर रही हूं मैं, कुछ भी चेंज नहीं कर रही हूं, ठीक है। 1s 2s 2p और 3s। अब हमें 11 इलेक्ट्रॉन चाहिए, एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसलिए यहां पर 2। 2s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसलिए हम यहां पर 2। p में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 6, क्योंकि 3 ऑर्बिटल है और उसमें 6 इलेक्ट्रॉन मैक्स टू मैक्स आ सकते हैं। ये चीज का ध्यान रखना कि s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, p में 6 आ सकते हैं, d में 10 आ सकते हैं और f में 14, ठीक है। अब यहां पर p में कितने आ सकते हैं, हमें कितने चाहिए, ये तो हो गए 4, हमें 11 चाहिए। अब हमें पता है कि p में मैक्स टू मैक्स 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन आपने यहां पर भर दिए, तो हमारे हो गए टोटल अभी 10, ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब हमें लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें भरना, ठीक है। अब इसका ऑर्बिटल डायग्राम देख लेते हैं, ये सिंगल भरा फिर मल्टीप्लाई किया, फिर सिंगल भरा फिर इसकी पेयरिंग करी, फिर ये सिंगल सिंगल सिंगल, यानी हुंस रूल फॉलो हो रहा है, सिंगल फिर इसकी पेयरिंग स्टार्ट हो गई, फिर यहां पर सिंगल इलेक्ट्रॉन हुआ। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जो आपकी नोबल गैस है, ठीक है, नोबल गैस हमें चैप्टर में पढ़ेंगे जो भी पीरियोडिक टेबल है, तो नोबल गैस क्या होता है, उसका हाईली स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है। तो हम एक बार हाईली स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है तो हम इनको नोबल गैस द्वारा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि सोडियम का तो 11 है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब नियॉन ले लेते हैं, नियॉन का होता है एटॉमिक नंबर 10, ठीक है। अब आता है इसको हम ऐसे करेंगे 1s2 2s2 और 2p6। अब हमें यहां पर फुल फील्ड इलेक्ट्रॉन, अब हम यही समझ लेते हैं फुल फील्ड इलेक्ट्रॉन और हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर फुल फील्ड इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है कि जो मैक्सिमम आप इलेक्ट्रॉन भर सकते हो वो इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल के अंदर भरे हुए, जैसे कि यहां पर s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, इस s के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन और p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे फुलफिल्ड हो हम कैसे पहचानेंगे, तो हम ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे इसका। ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये सिंगल सिंगल भरेंगे पहले फिर पेयरिंग, यानी कि इन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फुल है, कोई भी सारे इलेक्ट्रॉन फुल है, ठीक है। तो इस ऑर्बिटल को ये फुल फील्ड ऑर्बिटल होता है। अब हम हाफ फील्ड की बात कर लेते हैं, तो नाइट्रोजन ले लेते हैं 7, तो 1s2 2s2 और 2p3।
ये हुआ हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कि पी में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, छह, तो यहां आ रहे हैं तीन, यानी कि ये हाफ फिल्ड हुआ और ये फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉन हुआ। तो जो आपके क्या कहते हैं ऐसे, और जो हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हाईली स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, और वो हाईली स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कह सकते हैं उसको, ठीक है। तो अब मैंने ये क्यों समझाया है, क्योंकि देखिए नियॉन जो है वो फुल फिल्ड है और मैक्सिमम स्टेबिलिटी होती है नोबल गैसेस की, ठीक है। तो नियॉन का यहाँ पर 2p6 तक है, तो आप देख रहे हैं ये चीज ये सेम टू सेम नियॉन के जैसा है, यहां पर 1s में 2, 2s में 2 और 2p में 6, तो सेम एज इट इज ऐसा का ऐसा ही है। तो हम यहां तक इस कॉन्फ़िगरेशन को नियॉन लिख के बस यही बच रहा है हमारा, ठीक है, तो इसको 3s1 कह सकते, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से भी लिखा जा सकता है कि ये नोबल गैस है, नोबल गैस को लिख दिया, और लास्ट का जो हमारा रिमेनिंग है, क्योंकि यहां तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियॉन का भी सेम है, इसका भी सेम है, तो हम नियॉन लिख के 3s जो लास्ट का बचा उसको लिख देते हैं। अब जैसे हम कैल्शियम का एग्जांपल ले लेते हैं, कैल्शियम में होता है 20 1s, 2s, 2p, 3s, 3p और 4s, कितना हुआ 2, 4, 10, 12, 20, ये कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। इसमें मैंने आपको बताया कि 1s, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 2, ठीक है। अब इसी ये आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो मैंने आपको ऊपर सीक्वेंस बताई थी उसी के बेसिस पे आपको लिखना है। अब इसी कॉन्फ़िगरेशन को हम दूसरा हमारा नोबल गैस आती है आर्गन की, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 18, ठीक है। अब इसका होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6, यानी 18 हो गए। तो आप यहां देख रहे हो यहां तक आर्गन से ये सेम एज इट इज रह रहा है, इसलिए हम इसको आर्गन, ये ब्रैकेट बनाना जरूरी है आप लोग को ना, ये और 4s2, ये कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब हम कुछ एक्सेप्शन पढ़ लेते हैं, एक्सेप्शन कि जिसमें आपको हाफ फील्ड और फुल फील्ड इलेक्ट्रॉन्स बताए थे उसका यूज कैसे है, क्यों हमें क्यों जरूरत पड़ती है हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन की। तो एक दो एक्सेप्शन है, क्रोमियम जिसको स्टार मार्क कर लीजिए, और कॉपर, इसका होता है 24 और इसका होता है 29। अपन नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो वो ऐसे लिखेंगे 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d4। इसी तरीके से ये भी ऐसे ही लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9। एक्चुअल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन दोनों का होना तो ये चाहिए था, पर होता नहीं है। अब ये होता क्यों नहीं है, अब यहां पर हाफ फील्ड और फुल फील्ड वाला कंसेप्ट आएगा, क्योंकि जो होता है मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि जो हाफ फील्ड होते हैं और फुल फील्ड होते हैं वो हाईली स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। तो ये क्रोमियम और कॉपर ये एक्सेप्शन है जिनका कॉन्फ़िगरेशन ये होना चाहिए, पर ये कॉन्फ़िगरेशन ना होकर ये कॉन्फ़िगरेशन ये वाला अटेंड कर लेते हैं कि 4s की जगह 1 आता है और ये 5 हो गया, यानी कि ये हो गया 3d जो है वो हाफ फील्ड हो गया। कैसे पता, क्योंकि 5 ऑर्बिटल बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, ये देखो आप हाफ फील्ड आ गया। तो इसलिए कॉन्फ़िगरेशन वो वाला पहले वाला ना होकर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम का ये होता है। अब कॉपर का भी सेम कंसेप्ट है, कॉपर में होना तो ये चाहिए था लास्ट में, पर एक्चुअल में ये नहीं होता है, इसलिए आप लोग इसका जो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन होता है वो ये होता है। यहां भी आप इसका ऑर्बिटल डायग्राम बना के देखोगे, 1, 2, 3, 4, 5, अब 10 है, 6, 7, 8, 9, 10, यहां आप देख रहे हो इसका कॉन्फ़िगरेशन फुल फील्ड है। तो यहां हाफ फील्ड है और यहां फुल फील्ड है, इसलिए जो ओरिजिनल जो पहले वाला कॉन्फ़िगरेशन ना होकर ओरिजिनल में इनका कॉन्फ़िगरेशन ये होता है। और इसी, अब मान लो हम इसको नोबल गैस के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो हमें यहां तक पता है
कि ये आर्गन का कॉन्फिगरेशन होता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं AR 4S2 1 और 3D 5। अब ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 4s में इलेक्ट्रॉन पहले क्यों भरे जाएंगे, क्योंकि n प्लस l रूल आप यहां पर फॉलो करोगे, ठीक है। अब यहां पर भी आपने देखा ये भी आर्गन के इक्विवेलेंट है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा ये और 4s1 और 3d10। यहां से आप हाफ फील्ड और फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के भी बारे में समझ सकते हैं, क्योंकि 3d में 5 है यानी कि हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन है। यहां पर आप ऑर्बिटल डायग्राम बना के देख सकते हैं, यहां पर आपका 3d10 है, 3d10 है, जिसमें आपका मैंने अभी बताया है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है उसका, या ऑर्बिटल डायग्राम बनाकर देख सकते हैं कि फुल फील्ड है। और हमें इसको नोबल गैस के रेस्पेक्ट में लिखा, तो यहाँ पर मैंने आर्गन 4s1 3d10 लिखा है, और क्रोमियम का हमने लिखा आर्गन 4s1 3d5। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो क्रोमियम और कॉपर है ये एक्सेप्शनल केसेस है, नॉर्मल केस नहीं है कि ओरिजिनल जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो ना होकर वो हाईली स्टेबल की तरफ मूव किए, क्योंकि आपको पता है कि जो हाफ फील्ड है वो हाईली स्टेबल होता है, इसलिए वो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेंड कर लेते हैं। और कॉपर का भी यही कि क्योंकि वो फुल फील्ड इलेक्ट्रॉन है, तो फुल फील्ड इलेक्ट्रॉन हाईली स्टेबल होते हैं, उसको एक्सप्लेन इसके द्वारा किया जा सकता है। धन्यवाद। ये मैंने टेबल के हिसाब से पूरा टेबल में एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 to 30 तक कर रखा है, जिसमें जैसे मैंने अलग अलग इनको ऑर्बिटल्स को लिख रखा है टेबल में, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 5s। तो आप ये देख रहे हैं कि ये ऑर्बिटल मैंने हर एक का 1 to 30 आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है। जैसे कि नियॉन है, मैंने एक्सप्लेन किया था कि 1s में 2 आते हैं, 2s 2 में 2 आते हैं, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो ये मैंने पूरा अरेंजमेंट बता रखा है कि हर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, और जो एक्सेप्शनल केसेस हैं जैसे कि मैंने क्रोमियम और कॉपर एक्सेप्शन केसेस बताए जिन पे मैंने स्टार मार्क किया है, और उनका मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है कि 1s में 2 2s में 2 और 2p में 6 और 3s में 2 और 3p में 6 और 4d में 5। इसी तरीके से यहाँ पर मैंने कॉपर का भी बता रखा है, जिसमें 1s में 2 2s में 2 2p में 6 और 3s में 2 3p में 6 और 3d में 10 और 4s में 1। ये मैंने पूरा 1 to 30 आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक टेबल में समराइज करके शो कर रखा है। अभी जो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा उसकी हम समरी ले लेते हैं, जिसमें मैंने आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या रूल, कौन कौन से रूल फॉलो होते हैं उनको बताया। जैसे कि अव्वर रूल, अव्वर रूल के लिए मैंने बताया कि उनके बढ़ते हुए ऊर्जा क्रम में भरना पड़ेगा। फिर उसके बाद n प्लस l रूल है, जो कि अव्वर रूल का ही एक पार्ट है, तो उसमें ये बताया कि n प्लस l का मान जिसका कम होगा उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा, और जिसके ज्यादा होगा उसके उसका बाद में भरा जाएगा। फिर दूसरा रूल मैंने बताया पाउली एक्सक्लूसिव रूल। पाउली एक्सक्लूसिव रूल में मैंने बताया कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की 3 क्वांटम संख्या सेम हो सकती है, पर 4 क्वांटम संख्या कभी सेम नहीं होती। फिर तीसरा मैंने आपको हुंस रूल बताया। हुंस रूल में मैंने बताया कि आपको मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी उसकी मेंटेन करनी है, यानी इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिटल में सिंगल सिंगल भरा जाएगा, उसके बाद ही उसकी पेयरिंग स्टार्ट होगी। और फिर मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे भरा जाता है वो सारा एक्सप्लेन किया। और ये जो मैंने आपको सारा समझाया है ये मैंने 11th क्लास की NCERT बुक से लिया है। थैंक यू।